Once again, welcome to my YouTube channel. Today, I am discuss about to the class 9th vocabulary words. This is a topic of the words as a different parts of speech. This is the second part of this session. In the first part, I am discuss about to the 15 different words, and after that, we are continues from to the 16 to 25 words, and at the end of this video, I will also be giving some practice tests to you, and you will be try to improve yourself and try to be tackle these. I will also be giving how to improve and how to be answer these kind of questions, which is has been given in the end of this session. So you will watch via this session till to the end, and also be listen things which has been I will explain in this session. Now I will start from this session. ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਰਹਿ ਗਏ ਪਾਰਟਸ ਆਫ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਰਡਸ ਫਸਟ ਹੈਗਾ ਹੈਂਡ ਇਨ ਦਿਸ ਹੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਵਰਬ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਦੀ ਆ ਥੀਫ ਵਾਸ ਟੂ ਦੀ ਆ ਹੈਂਡਡ ਓਵਰ ਟੂ ਦੀ ਆ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਹੈਂਡਡ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕੀ ਆ ਵਰਬ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਂਡਡ ਆ ਉਹ ਵਰਬ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਨਾਊਨ ਦੀ ਆ ਵਾਸ਼ ਯੂਅਰ ਹੈਂਡਸ ਦਾ ਹੈਂਡਸ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਆ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਇਹ ਕੀ ਆ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਨਾਊਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨਾਊਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਂਡ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਾਊਨ ਵਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਆਇਰਨ आयरन जी वर्ब के अकॉर्डिंग आयरनली आयरन यूअर क्लोथ तो इतने आयरन का मतलब की है भी जो अपने कपड़े प्रेस कर रही है वह कहा जाता वा वर्ब के अकॉर्डिंग नैक्सट है वा नाउन के तरीके आयरन इज़ द यूजफुल मैटल हूँ इतने आयरन जोड़ा वा नाउन वरत्या जा रहा की है एक तरह का यूजफुल मैटल है नैक्सट है एडजेक्टिव तरीके दिस कनाइफ हैज़ एन आयरन हैंडल भी ये जो कनाइफ है यानी कि चाकू वेद की आयरन हैंडल वरत्या जा रहा तो आयरन इतने की है विशेषता दस रहा भी वो हैंडल की है आयरन का बनया हुआ वा नैक्सट हैगा साडा नैक्सट वीडियो नैक्सट पार्ट दी आ आइडल दे आइडल का मतलब की हुंदा बिल दी आ वर्ब्स डू नॉट टू बी आइडल अवे यूअर प्रीशियस टाइम्स भी कदे भी खाली ना बैठो अपना समा खराब ना करो तो इतने आइडल की है एक वर्ब के तरीके वर्क करती है नैक्सट हैगा दी आ नाउन दी आ आइडल फेल इन देयर लाइफ भी जेडे वेले होंगे वो अपनी लाइफ के हमेशा की आ फेल होंगे नैक्सट हैगा एडजेक्टिव दी आ हरमन इज एन दी आइडल बॉय भी हूँ जो हरमन की आ एक लेजी जो कह सकते हो भी एक आज्ञाकारी बच्चा नहीं है तो इतने की आदि विशेषता दस रहा वा नैक्सट है वा नैक्सट है लाइक वर्ब आई लाइक हर वेज तो इतने लाइक जरा वा बहुत ही तरीके वर्क कर रहा नैक्सट है नाउन एवरीबॉडी हैव हिज लाइक्स एंड डिसलाइक्स भी हूँ इतने की आ नाउन के तरीके भी जो लाइक्स आइसलाइक की एक नाउन के तरीके वर्क कर रहा एडजेक्टिव लाइक्स दी पोल्स रिवेल्स ईच अदरस तो हूँ इतने की आ एक तरह की विशेषता दसदा भी जो पोल्स होंगे वो हरेक जन अलग अलग नपरीत काम करते होंगे तो यह जिद नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब की गल कर रहे थे तो नैक्सट हूँ यदा अगले जोड़े वर्ड्स ने नैक्सट वर्ड है लाइट लाइट नाउन के तरीके देयर वॉज नो लाइट इन दियर रूम तो हूँ इतने जरा लाइट है वो एक नाउन के तरीके वर्क किया नैक्सट है एडजेक्टिव ऑलवेज टेक अ लाइट डाइट टू कीप फिट तो हूँ इतने जो लाइट वर्ड किस लिए यूज किया जाता विशेषता असं भी जो लाइट डाइट करता वा तो वह हमेशा फिट रहा वा नैक्सट है वर्ब के तरीके लाइट द लैंप तो हूँ इतने लाइट जो वर्ड आ वर्ब के तरीके वर्क कर रहा वा नैक्सट है एडवर्ब के तरीके किमें वर्क करेगा दी ट्रैवल लाइट इफ यू मस्ट भी जी लाइट इतने वर्ड यूज किया गया की आ एडवर्ब है यानी कि उन्होंने किरिया विशेषता कहा जाता भी किरिया यानी कि काम करने की विशेषता दस रहा नैक्सट है वा लैस एडजेक्टिव ही इज़ प्लेइंग लैस अटेंशन टू द स्टूडेंट्स दीज डेज तो हूँ इतने जो लैस आ कंपेरिजन दस रहा था की विशेषतावान दस रहा वा नैक्सट है एडवर्ब ही इज़ लैस इंटैलीजेंट दैन हिज ब्रदर्स तो हूँ इतने की आ लैस की आ किरिया विशेषता दस रहा भी वह की आ नैक्सट है नाउन ही वुड नॉट बी आ सर्टिफाइड विथ लैस भी हूँ छोटे जे चीज़ों भी खुश नहीं होंगे तो इतने लैस की आ नाउन के तरीके वर्क कर रहा वा नैक्सट है वा नीयर नीयर की एडजेक्टिव की आ ही इज़ अ नीयर रिलेशन टू दी हैडमास्टर तो हूँ इतने की आ नीयर का मतलब की विशेषता दस रहा भी वो मास्टर के वधिया बनती है नैक्सट है वर्ब ही इज़ अ नीयरिंग हिज एंड भी हूँ अपनी एंड के नीयर आ रहा तो नीयरिंग की आ वर्ब के तरीके वर्क कर रहा एडवर्ब के तरीके कम नीयर मेरे को एडवर्ब नैक्सट है राइट राइट के नाउन की आ वी मस्ट राइट फॉर
वी मस्ट फाइट फॉर अवर राइट्स, तो हम इतने जो राइट्स वर्ड है वो की है नाउन के तरीके वर्क कर रहे हैं। एडजेक्टिव दिस इज माई राइट हैंड, ये मेरा सज्जा हाथ है तो विशेषता दसदा वा। नैक्सट है वर्ब एवरी रोंग शुड बी आ राइटड, तो यह मतलब की है भी जो राइटड वर्ड है वो की है वर्बी तरीके वर्क कर रहा वा। नैक्सट है वा अदर वर्ड्स जिमें कि राउंड, राउंड के जोड़ा वो वर्ब आ फस्ट वी राउंड हिज लिप्स इन एंगर, तो हम इतने की है जो राउंडेड है वो वर्ड की है वर्ब के तरीके वर्क कर रहा वा। नैक्सट है वा नाउन लेट अस हैव अ राउंड, तो हम इतने की है जोड़ा राउंड वर्ड है वो की है नाउन के तरीके वर्क कर रहा वा। नैक्सट है एडजेक्टिव द अर्थ इज़ राउंड, तो हम ये की है विशेषता दस दी जी अर्थ है वो राउंड घूमती है। नैक्सट है वर्ब ही टर्नस राउंड, भी हूँ की है उन्हें आले दुआले जा चक्कर कट्टने शुरू कर दिते, तो यह की है वो विशे क्रिया विशेषता दसदा वा, यानी कि इतने राउंड जोड़ा वर्ड है वो की है एडवर्ब। नैक्सट है सैकेंड, सैकेंड नाउन के तरीके आई विल बी अ कवर बैक इन दी अ साउंड, सॉरी इतने साउंड सैकेंड सगा सॉरी इतने सैकेंड वर्ड आना सी वी ओ की है सैकेंड आया वा कम बैक करने के नाउन दस रहा वा। नैक्सट है वर्ब आई विल सैकेंड यूअर प्रपोजल, भी मैं वह प्रपोजल की है दूसरा मान लिया, तो इसका मतलब की है वो की है वर्ब के तरीके वर्क कर रहा वा। नैक्सट है एडजेक्टिव फैबररी इज़ द सैकेंड मंथ ऑफ टू दी ईयर, तो हम इतने जो सैकेंड है वो की है विशेषता दसदा भी उस साल का दूजा मंथ है। नैक्सट ये सेंटेंसिज ने स्टिल नाउ इन दी स्टिल ऑफ दी नाइट दी थीफ एंटर अवर हाउस, तो हम इतने जो स्टिल वर्ड है वो नाउन के तरीके वर्क कर रहा वा। नैक्सट है वा एडजेक्टिव दी आर लाइट वॉज स्टिल, तो हम इतने जोड़ा वो विशेषता दस दी है भी जी नाइट होंगी वो स्टिल होंगी है। नैक्सट आ आई होप जो ये तो जो सारे वर्ड्स ने तुम समझ आ गए हो। नैक्सट चलते हैं ये एक्सरसाइज की तरफ भी हमें एक्सरसाइज करनी है किमें, फर्स्ट जो पेपर के कि आएगा पेपर के तो आएगा राइट्स दी एंड, जेकर तो सेंटेंस से लगता वा भी जोड़ा भी वर्ड आ ठीक है वो मैं अंडरलाइन कर दाँगा भी कि वर्ड आ, तो तुम दसना वा वो वर्ड की किस तरीके वर्क कर रहे हो, वो की आ नाउन आ वो की आ एडजेक्टिव आडा एडवर्ब आ जोड़ा की आ एक एडवर्ब के तरीके वर्क कर रहा वा। लाइक हम मैं थोड़ा इतने अंडरलाइन कर रहा, तुम्हें इन्हें दसना होगा भी ये कि सेंटेंस चल रहा वा, जिमें वन मस्ट ट्रैवल लाइट, तो हम इतने लाइट तुम्हें दसना हो की आ नाउन आ एडवर्ब आ एडजेक्टिव आ जर्ब आ। नैक्सट है दिस क्लॉक इज 10 मिनट्स फास्ट, हम इतने जो फास्ट वर्ड आ तो तुम्हें दसना हो भी ये फास्ट वर्ड की है। नैक्सट है दी चीफ गेस्ट स्पीच वॉज ब्लीफ, इतने जो ब्लीफ वर्ड है तुम्हें दसना हो भी की है नाउन एडजेक्ट आ या एडवर्ब आ। दैन है दी ऑफिसर वॉज ब्रीफ्ड अबाउट टू दी फैक्ट, तो इतने जो ब्रीफ्ड वर्ड है वो की है। नैक्सट है दिस बाइसाइकल कॉस्ट हिम 1200 रुपीज़, तो हम इतने जोड़ा वा तुम मैं दसना भी जो रुपी है रुपीज़ वो की है, ये स्क्रीनशॉट मार लेना। नैक्सट है वा आई होप तुम्हें पता लग गया होगा, जेकर तुम चाहते हो तो मैं यदा फस्ट का आंसर भी दस सकता भी जिमें वन मस्ट बी आ ट्रैवल लाइट वाइल टू दी आर ट्रैवलिंग इन एयर, तो हम ये की है जोड़ा फस्ट का आंसर की आएगा एडजेक्टिव आएगा। हाँ एडजेक्टिव क्यों आया, क्योंकि वो की है दो जन का कंपेरिजन दसदा वा, कंपेरिजन हमेशा एडजेक्टिव के यूज किया जाता। हम बाकी जो सेंटेंस बचे तुम अपने आप ट्राई करने हैं, तो मैं ये आंसर जोड़े आ कमेंट बॉक्स के पा सकते हो, मैं उन्होंने आंसर भी थोड़े टैली करवा दाँगा उत्थे। नैक्सट है दी मनिंदर रन फास्ट इनफ टू रीच दी स्कूल, तो हम इतने फास्ट वर्ड दसना भी की है। नैक्सट है वट इज़ यूअर एग्जामिनर शेड्यूल फॉर दी टमोरो, तो हम इतने जोड़ा शेड्यूल है वो की है। नैक्सट है कैन यू बाय माई फ्रेंड्स आइटम्स फॉर दी मीना बाजार, तो हम इतने जोड़ा वा बाय दसना सी बाय की है, तो हम इतने मैं दसना वा भी जोड़ा बाय वर्ड आ वो की आ दैट टेस्टी रियल गुड्स वेयर डिड यू गैट इट फ्रॉम, तो इतने जोड़ा टेस्टीज आ सॉरी ये की आ। नैक्सट है वट इज़ द कॉस्ट ऑफ दिस पेयर ऑफ दियर शॉक्स, तो हम इतने मैंने कॉस्ट दसनी है भी कॉस्ट की है, डाउन एडजेक्टिव एडवर्ब आ। नैक्सट जोड़ा वा हमने तुहाडा फस्ट एक्सरसाइज, सैकेंड एक्सरसाइज की गल करांगे ये बाद भी वो किमें आऊगी ज किस तरीके तुम
करना होएगा इन सॉल्व। नैक्सट जी सैकेंड एक्सरसाइज आ वो की है, ये तो जो गिवन वर्ड्स होंगे सेंटेंस बनाने उसके, जिमें मैं फर्स्ट बनाया हुआ वा थोड़ी कन्विंस ली, जिमें फेयर नाउन के तरीके की बनाऊंगी, ही हैज़ नॉट पेड दी आ बस फीयर, तो हम इतने जो नाउन के तरीके जो फेयर आ वो बारे गल की गई है। नैक्सट हैगा फेयर वर्ब, और जो फेयर आदि वर्ब के बारे दसना वा, दी आ राम हैज़ फेयर वैल इन दी एग्जामीनेशन, तो हम इतने वो की आ एक तरह का वर्ब के तरीके वर्क कर रहे हैं। हूँ तुम आ जोड़े मैं सेंटेंस दे रहा, इन्हों का स्क्रीनशॉट मार लेना वा, तो अपने को लिखने आ भी इन्हों के सेंटेंस बनाने हैं, तो लास्ट के मैं थोड़े तो इस डिस्कस कराँगा, तो जेकर तो सेंटेंस बन रहे हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स के भी पा सकते हो। नैक्सट हैगा बीयर एज ए नाउन एंड वर्ब, वर्ब के अकॉर्डिंग सेंटेंस बनाने, फास्ट में एडजेक्टिव के एडवर्ब के अकॉर्डिंग बनाना वा, स्टैंड में नाउन के वर्ब के अकॉर्डिंग बनाना वा, तो प्रोड्यूस में नाउन के वर्ब के अकॉर्डिंग ये सेंटेंसिस बनाने। नैक्सट जी सैकेंड एक्सरसाइज से आई होप तुम तो पसंद आई होगी, तो जेकर मेरा तुम्हें तो ये सैशन वधिया लग्या तो इन लाइक करना ना भूलो, तो मेरे चैनल में सबसक्राइब करो जेकर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल के उत्ते आए हो, तो मोर अपडेशन के लिए बैल आइकन जरूर दबाओ, तो आने वाली न्यू वीडियोज़ की भी अपडेशन नाल दी नाल मिल जाए। थैंक्स लॉट वॉचिंग फॉर माई।